टुडे ऑन कंट्रोल ऑल डिलीट हम बात करेंगे एक फनी स्टोरी आईपॉड के बारे में। एंड इन आवर रिव्यू एंड प्रीव्यू सेगमेंट वी हैव गूगल क्रोम जो एक नया ब्राउजर आया है मार्केट में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन अ वेबहोलिक सेगमेंट यू विल सून मीट द फाउंडर्स ऑफ parktranslation.com। Hello and welcome. You are watching Control All Delete. I'm Anisa. And I'm Mayo. And in today's review and preview, we're gonna talk about different stuff. Just like I say, Google Chrome. Do you have an iPod? Yeah. Where do you keep it? In the pocket. Good. That's where you should always keep your iPod. एक बहुत मजे की कहानी है। iPod था एक village में, it's a place I think, it's a city in America, where एक छोटा सा बच्चा था और वो school में उसने अपना iPod अपने pocket में डाला था, iPod Touch. और वो आईपॉड टच उसके पॉकेट में फट गया। जी फट गया, उसकी टांग भी चल गई, कोर्ट में केस भी हो गया, फट गया, $75,000 का केस हुआ। और माँ बाप ने ये कहा कि बच्चा ना कभी काम कर सकेगा, ना सोच सकेगा, ना कुछ कर सकेगा। तुम्हारी तरह लगा थैंक गॉड वाज मी। अच्छा एप्पल ने क्या जस्टिफिकेशन दी कंपनी ने, कैसे हो गया? एप्पल आई डोंट नो व्हाट जस्टिफिकेशन दे रहे, बट बच्चा अपेरेंटली इमोशनली स्कार्ड है पूरी जिंदगी के लिए। उसको आई थिंक एक तो फ्री आईपॉड भी शायद मिल जाए इस प्रोसेस। सो ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग, यू शुड टेक दिस इन नोटिस ऑनेस्टली कि आईपॉड अपने पॉकेट में डाल लीजिए, वो फट सकता है और आपको जला भी सकता है। छोटे आईपॉड्स नहीं, यहां पे वो स्ट्रैप के साथ बांध ले, बस चला हम चल जाए। आर यू गोइंग टू डू द रिव्यू एंड प्रीव्यू दिस वीक? ओह यस, आई एम गोइंग टू। एंड व्हाट आर यू रिव्यूइंग एंड प्रीव्यूइंग दिस वीक? आई एम डूइंग गूगल क्रोम। गूगल क्रोम, दिस इज गूगल का ब्राउजर जो है। या द नया ब्राउजर दैट जस्ट केम इन। पसंद है नहीं पसंद है? हां पसंद है। तो फिर तुम घंटों बोलते रहोगे ना? Why not? बोलते रहो, मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। Explain to the audience why you think they should talk about Google Chrome, and I will be right back. That is not fair at all. We have a very special, very very special segment coming up. Don't miss it. We're gonna talk about Chrome that has been recently launched by Google, और Microsoft को उसने अपना पहला competitor बना लिया है। ये इतना jam pack नहीं with all the options, but within the year इसको बहुत ज़्यादा hype मिल रही है। When you're installing the Chrome, it's very easy to install. It's खुद ही सारी settings आपकी detect कर लेता है from Firefox or from the Internet Explorer, all your passwords, bookmarks, everything that you can ever think of, जो आपको बाद में type करने के लिए information देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी इसकी अच्छी बात यह है कि इसके पास it's very easy to use. It has got all the tabs on the top of the page, the address bar, which is also called the Omni bar. तो उसमें यह नहीं है कि आपको पूरी website लिखनी हो, all you have to do is type whatever you want to search. एंड ऑटोमेटिकली वो सारी सर्च रिजल्ट्स आपको ऑन स्क्रीन दे देगा। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें एक ऑप्शन ये है कि जितनी वेबसाइट आपने रिसेंटली विजिट की हैं, या जो आप वेबसाइट को अपना होम पेज बनाना चाहते हैं, या बुक मार्क एंड एवरीथिंग, जब आप एक्सप्लोरर खोलते हैं ये क्रोम का, तो ऑटोमेटिकली थंबनेल्स आ जाती हैं, स्मॉल विंडोज बन जाती हैं उन सारी वेबसाइट्स की जो आपने उधर रिसेंट विजिट की हैं। तो आपको ना टाइप करना है ना कुछ करना, ऑल यू हैव टू डू कि आप वहाँ पे वेबसाइट पर जाएँ, एक क्लिक करें, एंड दैट वेबसाइट इज गोना ओपन फॉर यू। एक और फीचर जो मैं आपको बताना चाहूँगा अबाउट क्रोम, दैट इज़ प्राइवेट ब्राउजिंग। मतलब प्राइवेट ब्राउजिंग में ये होता है कि इफ़ अगर आपको किसी वेबसाइट पर जाना है जहाँ पर आप नहीं चाहते कि आपकी डिटेल्स वहाँ पर किसी भी तरीके से फॉर इवन शॉर्ट टर्म बेसिस सेव हों, या आपके अपने कंप्यूटर में भी कैशे में उसकी वेबसाइट की कोई भी डिटेल सेव हो, मतलब एनी जो कैशे में जैसे सेव हो जाती हैं, सो ये प्राइवेट ब्राउजिंग का ऑप्शन दैट इज़ अवेलेबल। एडिंग टू इट इसमें एक और फीचर है, आई विल गिव एन एग्जांपल, फायरफॉक्स जो आपका ब्राउजर है उसके अंदर कोई भी अगर टैब में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए किसी भी एक भी वेबसाइट में, तो आपको वो सारे टैब्स ख़त्म करने पड़ते हैं, यू कैन ब्राउज, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्रोम में द ईजीएस्ट थिंग इज़ कि अगर एक कोई एक टैब भी ख़राब हो गया, दो ख़राब हो गया, यू गो टू टास्क मैनेजर, वहाँ से जाके आप उसको डिलीट करें, और आपके जो नॉर्मल दूसरे टैब्स हैं यू कैन यूज़ देम द वे यू वर यूजिंग देम बिफोर। बट एट लास्ट एवरीथिंग इज़ नॉट परफेक्ट। गूगल क्रोम के अंदर भी इशूज़ हैं, इसके भी ड्रॉबैक्स हैं, जो कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। जनरली इसके ड्रॉबैक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है इसकी हिस्ट्री पावर। आई मीन इफ़ अगर मैंने एक हफ्ते पहले ही कोई वेबसाइट विजिट की है, तो जनरली मेरे पास का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि वो वेबसाइट मैं इसके ऊपर दोबारा ढूंढूँ। आई डोंट हैव दैट ऑप्शन। द बिगेस्ट ड्रॉबैक दैट इज़ इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द मैकिंटोश मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल्सो फॉर लिनक्स यूजर्स। आई मीन कैन यू थिंक अबाउट इट, बट जनरली वो लोग चाह रहे हैं कि इस चीज़ को इसके ऊपर भी ऑपरेट करना स्टार्ट कर दें। तीसरा मसला जो मैंने क्रोम में ऑब्जर्व किया है कि इसमें एडऑन्स नहीं है। अगर आप फायरफॉक्स के यूज़र हैं, आप उसको यूज़ करते हैं उसका ब्राउज़र, इसमें एडऑन्स ऑप्शंस अवेलेबल है ही नहीं, तो यू विल बी लिटिल डिसअपॉइंटेड।